तपन सप्तदश शताब्दीर ज्ञानव्यापी मस्जिद्रु मिली शिवलिंग भिडियोग्राफी एभली सुराक मिलवा पर मस्जिद सिल मंगलवार उभय सेसन्स और सुप्रीम कोर्टे हेबो मामलार शुणाणी कौन शुणाइबे कोर्ट राय ताहा रही सारा देशर नजर वर्षा बन्या और ताति आसाम और अरुणाचल प्रदेश में बन्या लोकंकर हाल बेहाल कर दिल्ली में रेकर्ड कर असह्य ताति सेपटे आंडामान छुईला मौसुमी सतैश आसब केरल जून प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह मध्य ओडिशा रे देव देखा बुद्ध पूर्णिमा रे भगवान गौतम बुद्धंकर जन्मस्थली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल रे कौन कहिले पीएम अधिक हो जाई कम्युनिकेशन गैप एवं कमाइबा को योजना कर कांग्रेस उदयपुर घोषणानामार कांग्रेस रेब नवोदय थमार ना ने रूसिया युक्रेन युद्ध घाबरे गले कि व्लादिमीर पुतिन कौन रही ग्राउंड जीरो स्थिति सबक नहीं आसन देखा आमर फोकस पॉइंट ज्ञानव्यापी मस्जिद मामलें नुआ ट्विस्ट भिडियोग्राफी सर्भे मस्जिद में ठाब हो शिवलिंग परिसर में पोखरी में तीन फुट उच्चर शिवलिंग मिलता दावी पर संपृक्त अंचल को सिल करने को निर्देश देते वाराणसी सेसन्स कोर्ट मस्जिद परिसर शिवलिंगर सुराग को नहीं बाबा मिलीगले दावी कर हिंदू संगठन सेपटे अदालत में चैलेंज करने को निष्पत्ति मुस्लिम संगठन मे 17 तारीख मंगलवार ज्ञानव्यापी मामलार गुरुत्वपूर्ण दिन गोटे पटे वाराणसी सेसन्स कोर्ट सर्भे रिपोर्ट उपर फैसला शुणा बेले सर्भे को चैलेंज कर आवेदन शुणाणी करे सुप्रीम कोर्ट ज्ञानव्यापी मस्जिद रे शिवलिंग मस्जिद परिसर रे शिव मंदिर वीडियोग्राफी सर्भेरु सुराक परिसर सील मंगलवार कोर्टुंग शुणाणी मस्जिद भितरे मंदिर को नहीं नुआ ट्विस्ट उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी मस्जिद रे शेष होइछि कोर्ट कमिशन को तीन दिनिया वीडियोग्राफी सर्भे मे 14 तारीख आरंभ होता सर्भे कार्य 16 तारीख में संपन्न होगा सह जिला सेसन्स कोर्ट को रिपोर्ट प्रदान करनिजिया सर्भे कमिशन वीडियोग्राफी बेले चमकला भली तथ्य पदाकु आसी मस्जिद परिसर में पोखरी मिली महादेव आदि विश्वेश्वर शिवलिंग वीडियोग्राफी शिवलिंग ठाब को नहीं पिटिशनकारी दाबी पर मामला नुआ मोड़ नहीं अंचल को सिल करने को निर्देश देते वाराणसी सेसन्स कोर्ट मंगलवार मामलार शुणाणी करेंगे अदालत आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेंपल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग किया मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने बड़े एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाते रहे हैं आगे भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान पर ध्यान न दें ये मेरी आपसे अपील होगी धन्यवाद सर्वे टीम तीनटी गंबुज अंडरग्राउंड बेसमेंट एवं पोखरीर वीडियोग्राफी करथिले पोखरीर पानी सुखाइबा पर शिवलिंग मिलिथिबा दाबी करछंती पिटिशनकारी वकिल एही पोखरी शुद्ध रीतनीति व्यवहृत होता पोखरी भितरे शिवलिंग ठाव को नहीं खुशी प्रकाश करछंती सपक्षवादी सोहन लाल से कहिछंती जे बाबा मिलीगले नंदी जो बाबा खोजुले मिली जा सर्वे बेले मिलिथिबा विभिन्न सामग्री जांच पई आउ एक कमिशन बसेबा को दाबी करा जिवो सेपटे प्रतिपक्ष वकिलों कहवा कथा सपक्षवादी जो दाबी करछंती अमूलक
बाबा मिली नहांती एवं एहा उपरे अदालत रे आपत्ति रखा जीव। ये हमारे धर्म में है कि नंदी जी का जो फेस होता है वो हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, तो वो जो शिवलिंग की तरफ होता है, हम लोगों के पास जो आंकड़े थे तो उस आंकड़े के अनुसार हम लोगों को जिस जगह पे संदेह था वहाँ पर हम लोगों ने माननीय कमिश्नर के माध्यम से कहा गया कि इस जगह के लिए इसको जरा सा दिखवाया जाए, इस जगह को वो उसको जो है जरा सा उसकी छानबीन की जाए, हाँ साफ सफाई की जाए। तो वहाँ से जो है अपने को जो है आज एक पत्थर मिला जो कि शिवलिंग है हमारा, जो है ये हम लोगों का दावा है कि वो हमारा शिवलिंग है, वो लगभग 3 फीट का वो दिखाई दे रहा है। बाबा का कंकड़ कंकड़ पत्थर है, हर जगह हृदय में लोग रहते हैं जी। हाँ, लेकिन जी। नंदी को जिस बाबा की प्रतीक्षा थी वही बाबा मिले, वही बाबा बस, मिले बस, तो मलबे को लेकर वहाँ काफी हाँ, मलबा मिला है। नहीं, नहीं, मलबे दूसरे, ये मलबा तहखाने की बात हो रहा है, हम उस मलबा की बात नहीं कर रहे तहखाने की, हम मन जो है जो ध्वंस हमारा आधार दिशा उसके पिछले हिस्से की बात कर रहे हैं जो 75 फीट लंबा और लगभग 24 फुट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक दूसरा हम जो है जांच कमीशन माननीय न्यायालय में जाएंगे, उससे कहेंगे जिससे हमारा जो है जो मंदिर का अवशेष ध्वंस पाषाण खंड है शिलालेख है वह सब उनसे लिए ताकि हम जाँच और बहुत करीब हो सके। वजू खाने का सर्वे हुआ है और उसको पानी निकाल के हुआ, बस बिल्कुल स्टैंड बना रहेगा जो स्टैंड मेरा है फ्रॉम बिगनिंग टू टुडे और इन फ्यूचर वो मेरा स्टैंड रहेगा। आगे क्या होने वाला है, आगे की प्रक्रिया बता दीजिए, मैं ये रिपोर्ट दाखिल होगी उसका ऑब्वियसली इनवाइट होगा, फिर डिस्पोजल होगा। अयोध्या परे काशी विश्वनाथ मंदिर निकट में रही ज्ञानवापी मस्जिद 1669 मसीह तत्कालीन मोगल शासक औरंगजेब निर्माण करते ज्ञानवापी मस्जिद। सूचना अनुसार एठारे थिला महादेव आदि विश्वेश्वरंक मंदिर जहाँ को भांगी ता उपरे निर्माण करा मस्जिद न्यायालय निर्देश सर्वोपरि बोली कहते उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तौर से उस सर्वे का जो भी निष्कर्ष होगा वह न्यायालय के समक्ष रखेंगे, उसके बाद सबके सामने आएगा। यह सच है कि जो शिव भक्त हैं उनको खुशी है कि बहुत लंबे अरसे के बाद माननीय न्यायालय के आदेश से वहाँ सर्वे हो रहा है, अंदर क्या है, कई लोगों को कुछ बहुत सारी जानकारियां सुनने में आती रहती हैं और अब क्या क्या है वो निकल करके बाहर आएगा। ज्ञानवापी मस्जिद रे सरी सर्वे एवं अदालत राय उपरे रही नजर, सेपटे सुप्रीम कोर्ट रे पहुंची एही मामला। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को चैलेंज करी अंजुमान मस्जिद कमिटी पक्षर होता आवेदन शुणाणी मंगलवार करे सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट विचारपती जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ खंडपीठ मे 17 तारीख में मामलार शुणाणी करने को बेले वाराणसी सेशन्स कोर्ट 17 कमिशन का रिपोर्ट उपरे शुणाणी करे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।